तुला राशि वालों, 23 दिसंबर शनिवार का दिन शिव योग में भरणी नक्षत्र में शुक्र और कृतिका नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। शुक्र आपके लग्न का स्वामी है और सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है। इस समय आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर लग्न के ऊपर शुक्र लग्नेश का गोचर हो रहा है। वहीं सूर्य बुध के साथ आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य स्थान को मजबूती प्रदान कर रहा है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में और बृहस्पति का चंद्रमा के साथ कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करना आपके जीवन में सुख सौभाग्य को बढ़ाने का, तरक्की उन्नति और समृद्धि का योग बना रहा है। वहीं शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठकर परिवार की स्थिति में सुधार कर रहा है। आपके भाग्य चक्र में आज जीवन में तेज गति से परिवर्तन का योग है, सकारात्मक परिणाम का योग है। आज अपने काम पर आप विजय प्राप्त करेंगे, संकट आपके दूर होंगे, बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी आपके जीवन में होगी। आज आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य का प्रभाव है, बृहस्पति शनि की दृष्टि है और तुला राशि वालों के लिए भरणी नक्षत्र का शुक्र बड़ा सुख सौभाग्य लेकर आया है। आज सूर्य का प्रभाव शुक्र के प्रभाव में त्रिपुष्कर योग में आपके जीवन में अपार खुशी, शुभ समाचार, अभिलाषा की पूर्ति और वांछित सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप विजयी बनेंगे, सांसारिक सुखों का भोग करेंगे। आज आपके जीवन में सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। भाग्योदय का प्रबल योग बनेगा और शुभ फल से आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। आनंद की अनुभूति होगी और जीवन में तरक्की, लाभ का अच्छा अवसर मिलेगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शनिवार का दिन 23 दिसंबर आज शिव योग में भरणी नक्षत्र में शुक्र के शुभ प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। अघन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज त्रिपुष्कर योग भी है और सिद्ध योग भी है, यानी आज का दिन आपके लिए शुभ भी है, सौभाग्य भी लेकर आया है। शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है, कामयाबी सफलता आपको मिलती है, सौंदर्य आपका बढ़ता है और जीवन में प्रेम की शुरुआत होती है। आज आपकी कुंडली में उच्च का शुक्र धन, आरोग्य, दीर्घायु और वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा है। आज शुक्र की कृपा से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। अद्भुत संयोग धन संपत्ति से परिपूर्ण मां लक्ष्मी का आशीर्वाद शुक्र के प्रभाव के साथ आज का दिन आपके लिए जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाला, महत्वपूर्ण सफलता पाने वाला, जीवन की स्थिति परिस्थिति को बदलने वाला शुक्र का शुभ संयोग रात 9:19 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र के आरंभ होते ही सूर्य के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। आज आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य का प्रभाव है, राहु की छाया है, बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि आज सिद्ध योग भी है, त्रिपुष्कर योग भी है। आपके काम सिद्ध होंगे, सफल होंगे। आपकी कुंडली में इस समय मंगल की शुभ स्थिति और बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा के साथ, बृहस्पति चंद्रमा की युक्ति ऐसा संकेत दे रहा है कि अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाएं आपको मिलने वाली है, बड़ी सफलता कामयाबी की प्राप्ति होने वाली है, मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है और नौकरी व्यापार की स्थिति भी पहले से बेहतर होने वाली है।
स्टूडेंट के जीवन में आज का दिन कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि आज शनि और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में आपके भाग्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है। आज शनिवार का दिन है, शनि एकादशी भी है, शुक्र का प्रभाव है, तो मेहनत का फल भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपके कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में आप हर प्रकार के सुखों का भोग करते हुए मान सम्मान के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आज आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर गोचर कर रहा है, शुक्र के ऊपर बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि है, ऐसे में आपका जीवन धन दौलत भोग विलासिता ऐसो आराम से आगे बढ़ता है, सुख सुविधा आपके जीवन में बढ़ता जाता है और शुक्र की महादशा में जीवन में एक नई शुरुआत होती है। आज शुक्र के प्रभाव भरणी नक्षत्र में दिन आपके लिए सफलता भरा होगा, आपके लिए तरक्की देने वाला बुध का सूर्य के साथ गोचर कार्य में लाभ प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि बुद्धादित राजयोग से आपके जीवन में हर प्रकार की तरक्की प्राप्त होती है। आज राहु के प्रभाव से आपके जीवन में अचानक धन का लाभ भी होगा, क्योंकि राहु शनि के धन भाव में इस समय गोचर कर रहा है। बुध सूर्य का बुद्धादित्य राजयोग बृहस्पति का चंद्रमा के साथ गोचर करना शुभ संकेत दे रहा है। आज अमृत काल में आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी, सामर्थ्य आपका बढ़ेगा, भाग्य का द्वार खुलेगा, किस्मत आपको तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर जाएगा। आज आपके संबंध भी अच्छे होंगे, महत्वाकांक्षा भी आपकी बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा और जीवन में बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। आज का दिन धन बल से युक्त शानदार दिन है, क्योंकि आज दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी बुध है और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है, जो आपको चक्रवर्ती, तेजस्वी, भाग्यशाली और धनवान बनाता है। जीवन में कुछ परिवर्तन भी होंगे, स्थिति परिस्थिति आपके जीवन की बदलेगी, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, अपनी शक्ति से श्रेष्ठ कार्य को करते हुए जीवन की मुश्किलों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। उत्साहित होकर अपने काम को करते जाएं, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी, शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज आप कुछ नया करेंगे, अपने काम के महत्व को समझेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और आपके जीवन में संतुष्टि, समृद्धि और सुख के लिए जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता और कामयाबी की प्राप्ति होगी। नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा, परिवार में खुशखबरी, आप अपने चतुराई से अपने जीवन में मेहनत का फल भी पाएंगे, क्योंकि आज बृहस्पति शनि की दृष्टि भी है, मनोकामना की सिद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है, परिस्थिति जीवन का बदलता है, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है जब उच्च का शुक्र आपकी कुंडली में गोचर करता है। आज का दिन भाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली योग है, जीवन की बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम होंगे। साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए परेशानियों पर विजय प्राप्त करने वाला, आपका व्यापार, आपका नौकरी, संतान, रोजगार, शिक्षा खूब तरक्की पाएंगे, जीवन में शुभ स्थिति आज ये आपको खुश मिजाज बनाएगा, चिंता को दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, धैर्य रखें, समस्याओं का समाधान भी होगा और जीवन में सफलता, खुशखबरी, आमदनी की वृद्धि भी होगी, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति जीवन में शुभता को बढ़ाता है। वहीं उच्च का शुक्र आपके बिगड़े काम को भी बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। आज बुध और चंद्रमा के प्रभाव से उत्साह भी आपका बढ़ेगा, मन की उलझनें दूर होगी। आज का दिन आपके लिए भाग्योदय का दिन है,
समृद्धि सौभाग्य का दिन है, सुख पाने का दिन है, तो अपने साहस से अपने जीवन में आप बड़ी सफलता, कामयाबी और वांछित परिणाम की पूर्ति भी करेंगे और आज के दिन उन्नति तरक्की के रास्ते पर आप आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज आपके अंदर सकारात्मक विचार आपकी जीवन की बाधा और परेशानी को भी दूर करेगा। कार्य की उन्नति आपकी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। राहु काल 9:45 से 11:03 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 5 होगा। आज त्रिपुष्कर योग, रात्रि 9:19 से जब कृतिका नक्षत्र में सूर्य का उदय होगा, वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:59 और विजय मुहूर्त 2:03 आपके लिए शुभ साबित होगा। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।